आज पहले तो एप्लीकेशन एक आरती गुप्ता संजौली से लोकल रेजिडेंट है वो, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि मुझे पार्टी बनाया जाए इस प्रोसीडिंग में और हमारी सुनवाई की जाए। उस एप्लीकेशन का हमने रिप्लाई फाइल किया वक्फ बोर्ड की तरफ से और काफ़ी डिटेल्ड आर्गूमेंट्स के बाद उनकी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर गई फॉर द रीज़न कि उनका लोकल स्टैंड आई और उनका राइट कोई नहीं इस प्रोसीडिंग में बनता था। बाकी जो प्रेसिडेंट मस्जिद कमेटी ने ऑलरेडी अंडरटेकिंग दी थी उस अंडरटेकिंग के मुताबिक जो टॉप की 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे, उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। बाकी वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है वो इन ड्यू कोर्स डिसाइड होगा कोर्ट में। प्रोसीडिंग के लिए अगली डेट ऑफ हियरिंग है 21 दिसंबर 2024। कितने महीने का समय दिया गया है सर? कितने 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। सर कोर्ट ने माना है कि वायलेशन थी सर कंस्ट्रक्शन? नहीं, वायलेशन का मानने का नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद ही लिख करके दे दिया था कि हम उसको डिमोलिश कर देंगे, तो डिमोलिश कर दिया गया। तो सेकंड फ्लोर किसको माना जाएगा सर, ग्राउंड फ्लोर को? देखिए वो तो अभी डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ के पता लगेगा, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर मेरे पास भी नहीं है। सर आप फैसले से कोर्ट की सेटिस्फाइड है क्या? नहीं सेटिस्फाइड तो फिर कोर्ट का फैसला देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उसको। जी जी सर ये जो तोड़ने नहीं, का देखिए अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। सर ये तोड़ेगी कमेटी के दस्ता में तोड़ा जाएगा जो मस्जिद? नहीं नहीं, जो हमने जो मस्जिद कमेटी ने अंडरटेकिंग दी थी तोड़ने की उसको तोड़ने के ही ऑर्डर किए गए, 2 महीने का टाइम दिया गया। नहीं वो तो अभी डिसाइड करेंगे, अभी ऑर्डर आएंगे डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे, फैसले से सहमत है नहीं है। डेफिनेटली अगर कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस अथॉरिटी का असिस्टेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये कि अभी डिटेल्ड ऑर्डर हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है।